अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सब के? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो अभी मैं और उस्मान नाश्ता कर रहे हैं। आजकल ना मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हुई हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। और मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मेरी रूटीन जो है ना, मेरी शादी के बाद से हमेशा चेंज होती रहती है। क्योंकि ज़ाहिर है आपके हस्बैंड जैसे जॉब पे जाते हैं, जो उनकी टाइमिंग्स होती हैं, तो वैसे ही फिर आप सोते हैं, वैसे ही उठते हैं, वैसे ही खाते पीते हैं, सारी रूटीन जो है वो आपकी वैसे ही होती है। तो खैर, ये हमारा आज का नाश्ता था। और उसके बाद ये मैंने आपको दिखाए थे ना मैक्रोनिस जो मैंने कल बनाई थी। कल का ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत मज़े की बनी थी। तो ये मैंने हाफ रख दी थी, और अभी मैं उस्मान का जो है ना, वो साथ साथ लंच भी पैक कर रही थी, और उनको मैंने थोड़ी सी डाल के दी थी। बाकी मैंने कहा था कि मैं खुद जो है ना, वो रात को ये खाऊंगी। और ये जो आपको मिलते हैं ना, जब आप बाहर से कोई भी चीज़ लेते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, कुछ भी ऐसा, तो ये सैशेज मैं रख देती हूँ। मैं खुद भी जब जॉब करती थी तो लेकर जाती थी, और अब मैं उस्मान को जो है वो कुछ इस तरह से बना के दूँ तो मैं उनको दे देती हूँ। अच्छा जी, उसके साथ मेरे पास थोड़ा सा मटन रखा हुआ था, तो मैंने दोबारा मसाला बना के ना उसको मैंने लेफ़्ट ओवर फूड को यूज़ कर लिया है। तो ये भी बड़ा मज़े का बन गया था। और ये मैं यहाँ पे बस उस्मान का लंच भी पैक कर रही थी, तैयारी कर रही थी, साथ साथ अपने बाकी छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, वो भी कर रही थी। तो इस तरह से खाना ज़ाया नहीं होता, आप फ्रेश मसाला बना के उसमें डाल दें, चावल डाल दें या बॉयल्ड राइस करके खा लें, बड़ा मज़े का जो है ना, वो फ्रेश भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो ये सारे काम हो रहे हैं, साथ साथ मैं अभी रोटी भी बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है ना, वो इस टाइम फैली हुई हैं। और किचन में ऐसा जो है ना, वो इस टाइम पे तूफान आया होता है, बस हर चीज़ ऊपर नीचे हुई हुई होती है। और यहाँ पे आप देखें, बस हल्की सी धूप जो है वो निकली थी, इतनी ज़्यादा सर्दी हुई हुई है ना आजकल। मैंने आपको बताया था 2-3 दिन से रात के टाइम -2 -3 पे जा रहा होता है टेम्परेचर, और दिन को भी जब आप थोड़ी देर भी विंडो खोलते हैं ना, तो इतनी ठंड लगती है, ऐसे लगता है वो दिसंबर वाली या जनवरी वाली सर्दी दोबारा आ गई हो। और यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो गए हैं, तो मौसम यहाँ पे दोबारा से काफ़ी ठंडा हो गया है। और बीच में ज़रा ऐसे लगा था कि अब चेंज होने लग जाएगा, दिन को अगर थोड़ी सी धूप निकले वो वैसे तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी ठंडक काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि आप देखें वेदर जो है ना, मैं आपको दिखा रही होती हूँ कि कैसा ठंडा है। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये बड़े काम की एक चीज़ है जो कि मैंने पहले भी शेयर की थी। आप अगर ये यूज़ करते हैं ना किचन का जो लाइटर होता है, तो ये मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो उस्मान जो है फिर इसका रीफ़िल लेकर आए, और ये इतना अच्छा है, मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, कितनी बार रीफ़िल कर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ में है। और ये बहुत बहुत आसानी हो जाती है, मुझे तो बहुत आसानी हो जाती है। मैं उस्मान को दुआएँ दे रही होती हूँ, क्योंकि लाइटर आप लेते हैं तो ज़ाहिर है उस पर आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो इस तरह से जब आप रीफ़िल करते हैं ना, तो ये एक तो आपको सस्ता भी पड़ता है, दूसरा घर में होता है, जैसे ही ख़त्म आप फ़ौरन से रीफ़िल कर लें। और आप इसको थोड़ा सा ज़रा उल्टा करके करते हैं ना, बहुत जल्दी हो जाता है। मैं बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे वीडियो बना रही थी, फ़ौरन से जो है ना ये रीफ़िल हो जाता है, और ज़िंदगी जो है ना वो सुकून में आ जाती है। यहाँ पे ना उस्मान, हमारा जो गार्डन है ना, उसकी क्लीनिंग करानी है, बैकयार्ड जो है, और उसके साथ सारा घास जो है ना वो कटवाना है। तो कब से कोशिश में थे, तो आज जो है ना हमें कोई मिला तो वो देखने के लिए आए हैं, और इतना बुरा हाल हुआ है, वेदर चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से सारा इसको मैं उस्मान को कह रही थी सेट करा लें। कोई बंदा नहीं मिलता, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, लिस्ट में भी जो है ना वो नाम नहीं डालते। तो देखते हैं अब ये क्या कहते हैं, तब से कोशिश में है, लगे हुए हैं कि हो जाए कुछ ना कुछ। अच्छा, पत्ते देखें कितने गिरे हुए हैं, और घास का कलर भी चेंज हो रहा है। तो खैर, इसको सारा हटाएँगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब वेदर थोड़ा सा चेंज होगा। बारिश, इतनी बारिशें यहाँ पे होती हैं ना कि ये आप देखें, सबका ही आजकल तो यही हाल हुआ हुआ है, कोई भी नहीं आजकल इतना ज़्यादा जो है ना यहाँ पे बैठता है या आता है। तो देखते हैं क्या कहते हैं, ढूंढ रहे हैं, कोशिश में हैं। और ये हमारे नहीं है, किसी ने फेंके हैं शायद यहाँ पर, ये बॉल और चीज़ें। तो खैर, उस्मान जो है ना वो दिखा रहे हैं उनको सारी चीज़ें, और घास भी देख रहे हैं और सब कुछ। ये देखें, लेट्स सी क्या होता है। मैं तो बस कितने महीने हो गए उस्मान को कह रही थी, उस्मान कोई अच्छा बंदा ढूंढते हैं कि करते हैं, हमें बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे ये। खैर चले, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम कह रहे थे उन्हें कि हमें अपॉइंटमेंट दे दें, लिस्ट में हमारा नाम लिख लें, कुछ भी ऐसा, तो वो भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। उनके पास 3-3, 4-4 महीने की बुकिंग्स होती हैं, तो आई थिंक ये या नोट डाउन शायद कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, देखते हैं जी। मौसम एज़ यूजुअल ठंडा यख, ये देखें, ये है एक्चुअल मौसम।
3:30 बज रहे हैं और बादल हैं जी जोरों शोर से। उस्मान जो है ना उनका वेट बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया, कुछ जो है ना वो बीमारी से हो गया, कुछ खुद हो गया। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊं, आज जो मेरा मेन काम था ना वो ये था कि मैंने ये वाली जो स्टोरेज है ना, स्टोर है मेरा ये काफ़ी छोटा है, लेकिन इसकी हालत अभी आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ही ख़राब हुई हुई थी। और ये मैं ज़्यादा इसलिए भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि सर्दियों में ना इसमें बहुत ज़्यादा नमी रहती है और अजीब सी स्मेल आ रही होती है, तो मैं इसमें डिह्यूमिडिफायर लगा के रखती हूँ, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं ज़्यादा चीज़ें तो नहीं रख रही थी, लेकिन अब आगे वेदर चेंज होगा, फिर आगे माह रमज़ान भी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अभी मैंने ना सारी इसकी सोचा कि मैं आज सारा टाइम इसकी जो है ना सेटिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैं रूम में आई, रूम भी अभी सेट करना था क्योंकि मैंने सुबह से कोई ऐसा काम किया नहीं था, तो ये सारी चीज़ें भी बिखरी हुई थी। तो बस उस्मान जो है ना जब वो चले जाते हैं ना, फिर उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ, सारा समेटी करती हूँ, और उसके बाद घंटों मेरे इसी तरह से लग जाते हैं क्योंकि देखने में तो लगता है कि शायद दो लोग हैं, लेकिन काम जो है ना वो आपके उतने ही होते हैं, आपके सारा दिन ही बस लगे ही रहते हैं। अभी मैंने काफ़ी सारे काम करने थे, स्टोरेज मैंने सारी साफ करनी थी, सेट करनी थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं गरम गरम सी चाय बना के पीती हूँ क्योंकि अभी शाम होने वाली थी, तो मैंने कहा पहले मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रिलैक्स होंगी क्योंकि मैं सुबह से उठी थी और मैं भाग भाग रही थी, ऐसे ही गुजर रहा था टाइम। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे मैक्रोनिस मैंने रख दी, अपनी भी रोटी बना के रख ली, और सालन जो है ना वो भी मैंने थोड़ा सा रख लिया था अपने लिए, तो ये सारे काम मेरे खाने पीने वाले ये वाले तो हो गए थे। तो अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और अभी आपको मैं रूम दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये भी लगा दिया है, इससे ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे ख़त्म हो गए हैं, स्पेशली यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन का मसला होता है, नमी रहती है, गीली गीली हर चीज़ रहती है क्योंकि धूप नहीं निकलती है, तो इससे बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। और यहाँ पे आप देखें मैंने पूरा स्टोर जो है ना खाली किया, पूरा बिल्कुल हर चीज़ मैंने बाहर निकाली, यहाँ पे मैं निकाल रही थी और ये मैं आपको दिखा रही थी। मैंने आज वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि मेरा ये था कि मैं रात से पहले ना ये सारे काम कंप्लीट कर लूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपनी शॉपिंग ट्रॉली भी यहीं पे रखी होती है क्योंकि दरवाजे के साथ हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो मैं यहीं से निकाल के ले जाती हूँ फिर आके रख देती हूँ। और ये आप देखें मैंने इस तरह से सेट कर दिया है, बॉक्सेस मैं ज़्यादातर फेंक देती हूँ, लेकिन कुछ जो बड़े वाले बॉक्सेस हैं वो मैंने रख दिए हैं कि अगर इनकेस हमें फ्यूचर में कहीं घर शिफ्ट करना पड़ा या मूव होना पड़ा तो ये ज़रा काम आ जाएंगे। तो इनमें मैंने चीज़ें डाल के, और कुछ मेरे बर्तन हैं, एक डिनर सेट भी है, ग्लास का सेट, इस तरह से बिल्कुल ही जो नए रखे हुए हैं ना वो मैंने पैक करके और यहाँ पे रख दिए हैं। अच्छा ये दरवाज़ा इस तरह से बंद हो जाता है लेकिन मैं घर में ज़्यादातर खोल के रखती हूँ ताकि इसको हवा लगती रहे। तो बस जी आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बिजी गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे काम मेरे कम्प्लीट हो गए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।